हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बनाने वाले एक मिनी ब्लूटूथ स्पीकर। और गाइस, इसका जो लुक है वो देखने में काफ़ी मस्त लगता है और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी मस्त होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को कम्प्लीट वॉच जरूर करिएगा। तो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पीवीसी पाइप का गोल पीस कट कर लेना है जो कि स्पीकर से थोड़ा बड़ा हो, और एक पीवीसी पाइप की सीट ले लेनी है। इसको आप गर्म करके पीवीसी पाइप को बना सकते हो किसी वजन चीज से दाब करके। और अब जो हमने गोल टुकड़ा लिया था, इसको हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है। और इसी तरीके से हमें दो मार्किंग कर लेनी है। और अब इसके बाद देखिए गाइस, हमें क्या करना है कि एक स्पीकर लेना है, जो कि ये जो स्पीकर है 4 ओम 3 वाट का स्पीकर है। और इसको हम क्या करेंगे कि जो हमने मार्किंग किया है उसके ऊपर रख करके यहाँ पे हमें एक और मार्किंग बीच में ले लेनी है। तो हम इसको भी ले लेते हैं। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें दोनों को कट करके इसमें से बाहर निकाल देना है, जो कि एक पतला रिंग कट करेंगे और एक पीछे के लिए ढक्कन टाइप का कट करेंगे। तो चलिए हम दोनों को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने दोनों को कट कर लिया है। और इसमें गाइस देख सकते हो, हमने फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे से दे दिया है। और यहाँ पे देखिए, 3 टुकड़े हमारे पास हो चुके हैं। और अब इसके बाद जो स्पीकर है उसको हमें यहाँ पे रिंग के ऊपर रखना है, और रखने के बाद हमें ग्लूगन की सहायता से इसको अच्छे चिपका कर फिक्स कर देना है, क्योंकि यहीं पर रुका रहा है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो इसको चिपकाने के बाद अब हमें वायर ले लेना है, और एक वायर देखिए यहाँ पे प्लस पे और एक माइनस पे जोड़ देना है, जो कि आपको ध्यान से जोड़ना है, क्योंकि प्लस माइनस उल्टा ना हो, नहीं तो आवाज़ जो कि अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। और अब जो हमने गोल पीस कट किया था उसको क्या करना है कि इसके ऊपर हमें देखिए स्पीकर वाला जो पार्ट है उसको रखना है, और यहाँ पे इसको हमें फेविकिक की सहायता से अच्छे से चिपका देना है। तो इसको हम फटाफट चिपका देते हैं। तो इसको हमने देखिए अच्छे चिपका दिया है। और अब इसके बाद हमें लेना है आइडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल, आप देख सकते हो, और इसके बाद एक हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल भी ले लेना है। और अब हम इन दोनों को कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसको लगा लेते हैं, और कनेक्शन करने के बाद गाइस आपको बताते हैं किस तरीके से हमने किया है। तो कनेक्शन गाइस हो चुका है, और कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सब कुछ लिखा होता है, लेफ्ट का लेफ्ट आपको सीधा सीधा मिला देना रहेगा तीनों, और यहाँ पे बीच वाला ग्राउंड और लेफ्ट राइट लिखा होता है। और यहाँ पे देखिए, बैटरी के इनपुट के लिए हम यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस वायर जोड़ देंगे, जो कि काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, आप आसानी से कर सकते हो। तो अब गाइस, जो हमने साउंड वाला बॉक्स बनाया था उसको ले लेना है, और यहाँ पे हमने एक प्लस माइनस देखिए वायर स्पीकर से निकाला हुआ है। और ऑडियो एम्पलीफायर में भी यहाँ पे 2 स्पीकर जोड़ने की जगह दी हुई है, तो यहाँ पे हम एक स्पीकर जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा होता है, आपको सीधा सीधा उसमें जोड़ देना है। तो देखिए, हमने जिसको जोड़ दिया है। और अब इसको गाइस हम क्या करेंगे कि डबल साइड टेप की सहायता से अंदर चिपका देंगे, जिससे कि हिले ना और वायर वगैरह इसका टूटे ना। तो हम दोनों पे डबल साइड टेप लगाएंगे, और आप चाहो तो ग्लूगन की सहायता से चिपका सकते हो, उससे भी काफ़ी मस्त तरीके से चिपक जाएगा, तो इससे भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अंदर की साइड इसको देखिए जितना हो सके आपको नीचे करके यहाँ पर इसको लगा देना है। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसको चिपका दिया है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चिपक भी चुका है। और अब इसके बाद हमें लेना है एक यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल, जिससे कि हम बैटरी को चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे भी गाइस देख सकते हो, B+D- out+out- लिखा होता है, जिसमें कि out+out- में यहाँ पे देखिए हम स्पीकर का जो यहाँ से हम इसके अंदर पावर देंगे, तो आउट माइनस पे हमने ब्लैक वाला जोड़ दिया है, और आउट प्लस पे हम यहाँ पे एक छोटा सा वायर जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा वायर जोड़ रहे हैं। और इसके बाद हम लेंगे गाइस मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की, क्योंकि जो मोबाइल की बैटरी है सबके पास आसानी से मिल जाती है, तो हम इसलिए इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, अब जो बैटरी है इसके ऊपर हम डबल साइड टेप लगा करके अंदर चिपका देंगे। और आप चाहो गाइस इसकी जगह पे लिथियम आयन बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा बैकअप मिल जाएगा, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, जो चाहो आप उसको कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो गाइस, अब इस बैटरी को हम स्पीकर के ऊपर यहाँ पे देखिए अच्छे चिपका देंगे, और देखिए इसमें आसानी से फिट भी हो चुकी है। और अब इसका दो यहाँ पे प्लस माइनस का 2 वायर निकल रहा है, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो बैटरी का माइनस है उसको B- पे आपको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है, और जो बैटरी का प्लस है उसको यहाँ पे B+ पे सोल्डरिंग कर देना है। तो हम दोनों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, दोनों को हमने कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसको भी डबल साइड टेप लगाएंगे, और इसको भी हम इसके साइड में चिपका देंगे, जहाँ से हम इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। तो यहाँ पे हम साइड में इसको लगा देते हैं। और गाइस, इसको अब हम ग्लूगन से भी चिपका देंगे, क्योंकि चार्जिंग करते समय निकल सकता है डबल साइड टेप। तो यहाँ पे अब हम इसको चिपका देंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे जो पीछे वाला हमने ढक्कन कट किया था उसको ले लेना है। और यहाँ पे गाइस, हमें देखिए एक स्विच के लिए कट करना है, और जो चार्जिंग पिन हमने यहाँ पे लगाया है उसके लिए कट करना है, जहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले देखिए 2 कट लगाते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 2 कट कर दिया है, और एक स्विच लेना है, और इसको हम इसके अंदर यहाँ पे लगा देते हैं। और इसके बाद गाइस, जो हमने देखिए यहाँ पे 2 वायर निकाला था, उसमें हमें एक एक वायर को दोनों को जोड़ देना है, जो कि यहाँ से इसको हम सोल्डरिंग की सहायता से कर देते हैं। तो देखिए, दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये अब जो कि स्विच से काम करना शुरू हो चुका है। और अब हम यहाँ पे जो चार्जिंग पिन हमने लगाया था उसको हम ग्लूगन से चिपका देते हैं,
क्योंकि ये मजबूती से हो जाएगी, क्योंकि हमेशा चार्ज करते समय जो कि ढीला हो सकती है, इसलिए हम इसको अच्छे से चिपका देते हैं। और अब इसके बाद जो ढक्कन है इसका, हम इसको पूरा बंद कर देंगे और हमारा अंदर का जो पूरा काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और ऊपर से सिर्फ काम करना है। तो यहाँ पे हम फेविक की सहायता से इसको अच्छे से चिपका देते हैं। तो देख सकते हो गैस इतना हो चुका है। और गैस यहाँ पे जो इसका स्विच था जो कि पहले वाला खराब निकल चुका था, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप उसका कलर चेंज हो चुका है। और अब गैस हम क्या करेंगे कि इसकी ऊपर से इसका जो कि लुक थोड़ा सा अच्छा करेंगे और इसको खड़ा करने के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए पीवीसी पाइप से छोटा छोटा पीस कट करके उसको दो के बीच में दो दो को चिपका दिया है। और अब इसके बाद हम इसका पैर बनाएंगे जिससे कि खड़ा हो सके और काफ़ी अच्छा भी देखने पे लगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि फेविक्विक की सहायता से दोनों लेगों को अच्छे से चिपका देंगे। तो चलिए हम इसको चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए दोनों पैरों को हमने चिपका दिया है और कुछ सींग टाइप का यहाँ पे ऊपर लग रहा है और देखिए नीचे करने पे काफ़ी अच्छे से खड़ा हो जा रहा है। और अब इसको पकड़ने के लिए हम ऊपर भी एक पीवीसी पाइप का जो कि टुकड़ा कट करके लगा देंगे, जिससे कि पकड़ के हम इसको उठा सकते हैं और देखने में भी इसका लुक काफ़ी मस्त हो जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे फेविक्विक की सहायता से अच्छे से चिपका देते हैं। तो देख सकते हो गाइस ये भी अच्छे चिपक चुका है और पूरा स्पीकर जो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद गाइस हम आपको थोड़ा सा चार्ज करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको लगाओगे चार्जिंग के लिए, यहाँ पे गाइस देख सकते हो आपको रेड कलर की लाइट देखने को मिल जाएगी और जैसे ही ये जो कि बैटरी फुल हो जाएगी वहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइट ग्लो हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि बैटरी चार्ज हो चुकी है। और अब गाइस अब इसका थोड़ा सा लुक देख लेते हैं किस तरीके से लगता है। तो गाइस चलिए अब इसको ऑन करते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी आपको चेक करके दिखाते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से इसका साउंड आपको लगा। तो इसको हमने देखिए ऑन कर दिया है और अब इसको मोबाइल की सहायता से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको गाना चला करके दिखाते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, लास्ट में हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या हुआ। तो चलिए अब हम आपको गाना चालू करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने एक गाना ले लिया, इसको हम ऑन करते हैं, आप लोग सुनिए थोड़ा। तो गाइस अब इसके ऊपर हम कुछ रख करके फिर आवाज़ तेज करके देखते हैं किस तरीके से जो कि ऊपर की तरफ फेंकता है। तो चलिए अब हम इसको रख लेते हैं और इसके बाद आवाज़ को जो कि तेज करते हैं तो फिर आप देखिए किस तरीके से जो कि बज रहा है। तो गाइस आपने इसका साउंड टेस्टिंग देख लिया, काफ़ी मस्त तरीके से बज रहा था और काफ़ी तेज इसकी आवाज़ भी है। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको इसकी आवाज़ कैसी लगी। और तब तक हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।